Vighnaharta Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. Kaho Parvati. स्वामी, महादेव की अर्धांगिनी हूँ, किंतु एक नारी भी तो हूँ। एक नारी का अस्तित्व तब तक कहाँ पूर्ण है, जब तक उसे संतान की प्राप्ति ना हो। मुझे एक संतान का अनमोल उपहार देने की कृपा कीजिए स्वामी। प्रिय, आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी, किंतु देवेश्वरी होने के नाते आपको ये भी ज्ञात होगा कि हमारे प्रत्येक कार्य का एकमात्र उद्देश्य जगत कल्याण ही होता है। आपकी संतान मात्र आपके लिए ही नहीं, वो तो समस्त जगत के लिए उपहार स्वरूप होगा। ये तो मेरे लिए परम सौभाग्य और शुभता की बात होगी स्वामी। इंद्र देवराज हो तुम, बस इतनी शक्ति है तुम्हारी। तारकासुर को चुनौती देने का दुस्साहस किया है तुमने इंद्र, अब तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? कहाँ है तुम्हारा सेनापति? क्या हुआ इंद्र? शब्द नहीं है तुम्हारे मुख में, स्मरण रखो ताड़कासुर से अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता इंद्र। ये तो जम्मू द्वीप के दक्षिणी छोर का सागर तट है। हम जम्मू द्वीप भूमि के दक्षिण में हैं। हाँ उमा, आप अपने पुत्र को स्वयं वहां ले आई जहां उसकी आवश्यकता है। परंतु नाथ, आपने तो कहा था कि मेरा पुत्र मेरे साथ रहेगा। हाँ देवीश्वरी, जब तक पुत्र कार्तिकेय अपने कर्तव्य को निभाकर लौट नहीं आता, आपको एक और पुत्र का सुख प्राप्त होगा जो सदैव आपके साथ रहेगा। आपकी अनुमति के बिना कभी आपसे दूर नहीं जाएगा। देखा माता, पिताश्री ने आपके साथ साथ मुझे भी आशीष दिया है, मेरे अनुज भ्राता के जन्म का आशीष। पिताश्री, आप मुझे भी एक वचन दीजिए कि मेरा अनुज मेरी ही भांति होगा, हम सभी को हर्षित करेगा, वो संपूर्ण सृष्टि में आनंद की वर्षा करेगा वो। तथास्तु। हाँ पुत्र, तुम्हारा अनुज अपने जन्म से पूर्व ही समस्याओं का हल दे रहा है, सर्वत्र प्रसन्नता उड़ेल रहा है। नष्ट कर देंगे हम, कोई हमें कुछ भी कष्ट नहीं पहुंचा सकता। ममता के हृदय से माँ से पुकारे, माता के मन को क्यों भ्रमित है करता, झनक दिखा करके क्यों तू छुप जाता। हाँ, झलक दिखा करके क्यों तू छुप जाता।
प्रिये। स्वामी, स्वामी, मैंने एक शिशु की आकृति देखी, जैसे वो मेरे साथ लुक्का छुपी खेल रहा हो। फिर मैंने उसे चित्रित करना प्रारंभ किया, उससे एक प्रकाश निकला, और ये प्रकाश जीवन का ही तो प्रतीक है। वो प्रकाश जो आपके चित्र से निकला, वो आपकी इच्छाओं का ही साकार रूप था, जो आपको अपनी एक छोटी सी झलक दिखला गया। जैसे आप उसे पाना चाहती हैं, वैसे ही वो भी आपके पास आने के लिए व्याकुल है। आपको स्मरण है ना, मैंने आपको एक और पुत्र का वरदान दिया था। जब तक पुत्र कार्तिकेय अपने कर्तव्य को निभाकर लौट नहीं आता, आपको एक और पुत्र का सुख प्राप्त होगा। आपकी कामना ने आकार लेकर आपको अपना आभास कराया है। नारायण नारायण इंद्रदेव, नारायण नारायण। मां पार्वती को करने दीजिए पूजा, आपका संकट है दूजा। शिव शंकर का वचन कभी असत्य हुआ है? मैं भी उन्हीं के दिए वचन के विषय में सोच रहा था देवऋषि। भला भोलेनाथ का दिया वचन असत्य कैसे हो सकता है? किंतु माता पार्वती का भ्रम इससे अवश्य टूटेगा। नारायण नारायण इंद्रदेव, नारायण नारायण इंद्रदेव। उधर देखिए इंद्रदेव, जो वरदान मांगने जा रहा है अपने तप को बनाकर सफल, महासंकट खड़ा हो जाएगा देवताओं के लिए यदि मिल गया उसे वरदान का फल। नारायण नारायण। जिस प्रकार हमें कार्तिकेय प्राप्त हुआ, वैसे ही दूसरा पुत्र भी होगा। क्या करना होगा स्वामी? पुण्य व्रत। यदि यही आवश्यक है तो मैं पुण्य व्रत अवश्य करूंगी। किंतु पुण्य व्रत कई दिव्य वर्षों की कठोर साधना से संपन्न होता है। ये तो अनर्थ हो गया, भंग हो गया आपका व्रत। आप तो संकल्प मात्र भी पूर्ण नहीं कर सकी, तो लंबी अवधि का व्रत कैसे पूर्ण करेंगी देवी पार्वती? आपने भीतर कैसे प्रवेश किया स्वामी? मैंने तो नंदी को आदेश दिया था कि मेरा व्रत संपन्न होने तक वो किसी को भी यहाँ ना आने दे। नंदी मेरे प्रति निष्ठावान, मेरा वाहन, मुझे कैसे रोक सकता है प्रिय? मेरे विश्वास को खंडित कर दिया नंदी। मैं समझ गई कि स्वामी के समक्ष उसके लिए मेरे आदेश का कोई मूल्य नहीं है। आज मेरे व्रत के आरंभ का शुभ मुहूर्त बीत गया। मेरा व्रत आरंभ होने के पूर्व ही खंडित हो गया। मुझे क्षमा करना प्रिय, भूल हुई। मैं वचन देता हूं, अब मेरे कारण आपके व्रत में कोई विघ्न नहीं होगा। आरंभ में ही व्रत का खंडित होना, क्या ये इस बात का संकेत है कि मेरे दूसरे पुत्र पाने की कामना कभी पूर्ण नहीं होगी?
मेरे व्रत के आरंभ का शुभ मुहूर्त बीत गया। मेरा व्रत आरंभ होने के पूर्व ही खंडित हो गया। मुझे क्षमा करना प्रिय, भूल हुई। आप अपना व्रत कल भी प्रारंभ कर सकती हैं। मैं वचन देता हूं, अब मेरे कारण आपके व्रत में कोई विघ्न नहीं होगा। मुझे देखकर आपके मुख पर आए आनंद को देखने के लिए ललायत हूँ मैं स्वामी। प्रणाम माता। माता, इतने समय के बाद आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। आपके स्वागत के लिए प्रभु ने स्वयं सज्जा कराई है माता। माता, जब आप यहाँ नहीं थे तो हम पल पल आपका ही स्मरण करते थे। मैं भी आप सभी को देखकर अत्यंत प्रसन्न। किंतु नंदी, स्वामी कहाँ है? माता, प्रभु तो ये रहे। कहाँ? वहां तो कोई भी नहीं। माता, प्रभु तो यहीं थे, पता नहीं कहाँ चले गए। हो सकता है ध्यान में हो, जाइए देख कर आइए। जी। प्रभु कैलाश में कहीं भी नहीं है। कैसी दुविधा है ये? इसका वरदान तो मुझे आपसे दूर कर देगा उमा। मुझे तुम्हारे विवेक पर दुख है, किंतु यदि तुम ये चाहते हो यही पाओगे। किंतु तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने के पूर्व मैं कैलाश जाकर देवी पार्वती से भेंट करना चाहता हूं। वो वहां मेरी प्रतीक्षा कर रही है। नहीं प्रभु, सर्वप्रथम आपको मेरा वरदान पूर्ण करना होगा। बस गजासुर, मैं लंबे समय से पार्वती से दूर रहा हूं। मेरा आग्रह है कि मुझे उनसे एक बार भेंट करने जाने दो। मैं शीघ्र लौटाऊंगा। नहीं भोलेनाथ, नहीं। मैंने भी वर्षों तक तपस्या कर ये वरदान प्राप्त किया है। आप इसे अभी पूर्ण कीजिए। इसी क्षण, इसी पल आप मेरे उदर में स्थित हो जाइए। आ जाइए प्रभु, आ जाइए। देव को मुझसे विलप नहीं कर सकता। देवी पार्वती, हे महाशक्ति, कृपया शांत हो जाइए। देवेश्री, त्याग दीजिए अपने क्रोध को। आपका यह उग्र रूप नहीं सह सकेगा यह संसार। घोर विनाश होगा,
निर्दोषों के प्राण जाएंगे। सृष्टि के इस विनाश को बचा लीजिए। देवेश्वरी, इतनी कठोर तपस्या के पश्चात आपको संतान प्राप्ति का वरदान प्राप्त हुआ है। अपने जीवन की इस नवीन और शुभ यात्रा का प्रारंभ युक्रोध और विनाश के आधार पर मत कीजिए देवी। धीरज रखिए देवी, वचन देता हूँ मैं भोलेनाथ को अवश्य ही लौटा कर लाऊंगा। जहाँ क्रोध है वहाँ प्रेम के लिए कोई स्थान नहीं, जहाँ प्रेम नहीं वहाँ नए सृजन संभव नहीं। हे देवी, अपने हृदय को प्रेम से भरकर अपने जीवन के इस नए अध्याय का स्वागत कीजिए। देवी पार्वती, जगत के पालनहार श्री हरि अपना वचन अवश्य पूर्ण करेंगे। आपको शीघ्र ही भोलेनाथ का सानिध्य प्राप्त होगा। सुखद मिलन समीप है, कृपया अपने क्रोध को त्याग दीजिए देवी। इतने समय बाद आप अपने स्वामी से क्या इस क्रोध में भेंट करना चाहेंगी? सेवा करने आपको सुख देने आया हूं। आपकी संतान मात्र आपके लिए ही नहीं, वो तो समस्त जगत के लिए उपहार स्वरूप होगा। उमा, हमारे पुत्र को शीघ्र ही प्रस्थान करना होगा। क्या हुआ माँ, आपके मुख पर ये चिंता कैसी? मुझे बताइए माँ अपनी चिंता का कारण। इस संसार में मैं आपकी सभी चिंताओं को हरने ही तो आया हूँ। रहने दो पुत्र, अपनी इस मां का दुख जानकर तुम क्या करोगे? मां, मुझे बताइए मां, मैं आपके सभी दुख मिटा दूंगा। पुत्र, मुझे तो एक ही दुख है। मैं जिन पर भी अपना स्नेह निछावर करती वो सभी मुझे छोड़कर चले जाते हैं। उन्हें लेकर तो सभी व्यथित हैं। कोई नहीं जानता वो कहां है। देखता हूं अब कौन आता है इनके संकट हरने। मैं आ गया हूँ सबकी विघ्न हरने। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.